हेलो फ्रेंड, बलगम मसौदा किचन आज आप फिर लेकर एक नया टेस्ट लेकर आए हैं। जो आप लोग चिकन लॉलीपॉप खाते हैं तो बच्चे बूढ़े बड़े सभी को बहुत ही पसंद होता है। एकदम सेम टेस्ट में आपको आज हम बनाएंगे। तो इस सौदा किचन में एक डिफरेंट टेस्ट लेकर आई है। तो ये हम स्वीट कॉर्न से बनाएंगे लॉलीपॉप। तो ये वीडियो एकदम कट मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा तभी समझ में आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो स्वीट कॉर्न को हम उबाल लिए हैं। उबाल के उसको हम सभी को दाना छुरा कर एक प्लेट में रख लेते हैं। तो कुछ दाना को हम साथ में ही छुराए हैं। तो 7 पीस का, 6 पीस का किसी क्वांटिटी में आप रखिएगा। तो टूथ पिक में हम 5 पीस 6 पीस जो उतना हो जाए टूथ पिक में हम उसमें डाल के एक जगह इकट्ठा कर लिए हैं। तो सभी को देखिए एक साथ एक प्लेट में हम करके रख लिए हैं। अब हम एक बॉल लेंगे, बॉल में डालेंगे 4 चम्मच हम डालेंगे, नॉर्मल चम्मच से डालेंगे हम मैदा डालें यहाँ पर 4 चम्मच लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम डाले हैं कॉर्नफ्लोर डालेंगे 2 चम्मच। टेस्ट के अनुसार यहाँ पर नमक डालेंगे तो 1/4 टीस्पून यहाँ पर हम नमक डाले हैं। 1/2 टी स्पून हम काली मिर्च पाउडर डालें, 1 टी स्पून चिल्ली फ्लेक्स डालें हैं, यहाँ पर ऑरेगानो 1 टी स्पून डालें हैं। तो उसको अच्छे से मसल के हम यहाँ पर डालेंगे। तो पानी डाल के इसको हम सभी को अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे। तब थोड़ा सा गाढ़ा हमको बेटर बनाना, क्योंकि उसमें कोटी भी की तरह अच्छे से कोटी हो जाए उस तरह से हम गाढ़ा घोल तैयार करके रेडी करेंगे। देखिए इस तरह से हमको घोल चाहिए, जिस तरह पुआ के घोल बनाते हैं तो उस तरह का घोल। देखिए चम्मच में भी अच्छे से कोटी लग जाता है, तो इस तरह का घोल हमको चाहिए। तो हम कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए डाले हैं और सभी स्टिक को उठाएंगे, कॉर्न का स्टिक उठाएंगे, उस पर अच्छे से बेटर को कोटी करेंगे और हम उसको डीप फ्राई करना है। तो तेल में हम डालेंगे, एक एक पीस करके डालेंगे, रुक रुक के डालेंगे, जल्दबाजी नहीं डालेंगे। थोड़ा सा हल्का ऊपर उ जाता है तब दूसरा हम डालेंगे। इसी तरह डाल के सभी को जितना अट सकता है उतना इसमें हम डालेंगे और इसको हम ब्राउन करके एकदम क्रिस्पी फ्राई करके सभी को निकाल लेते हैं। इस तरह से हमको सभी को ब्राउन करके क्रिस्पी करके हम सभी को छान के इकट्ठा कर लिए। सभी को पहले छान के रेडी कर लेते हैं। उसके बाद हम एक पैन को गैस पर डालेंगे, 1 टी स्पून यहाँ पर तेल, तेल की क्वांटिटी एकदम कम डालना है। 1 टी स्पून हम लहसुन डालें, 1 मिर्ची डालें हैं और एक छोटा सा मीडियम साइज का प्याज डालें। हरा प्याज आप लोग को मार्केट में मिल रहा है तो ले लीजिए, अगर मेरे मार्केट में यहाँ पर नहीं मिला तो हम नहीं डालें। तो हम 1/2 शिमला मिर्च डालें, सभी को हल्का सॉल्टी करेंगे। यहाँ पर सजमान सॉस 1 टेबल स्पून डाले हैं, उनको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम टेस्ट के अनुसार, बस मसाला जितना उतना ही टेस्ट के अनुसार नमक डालिएगा, ज़्यादा डालिएगा तो नमक तेज़ हो जाएगा। उसके बाद हम टमाटो केचप डालेंगे, 1 टेबल स्पून डाले हैं और यहाँ पर 2 टेबल स्पून पानी डाल के अच्छे से उसको भून लेंगे। उसके बाद हम पॉप लॉलीपॉप जो बनाए हैं लॉलीपॉप को डालेंगे, अच्छे से कोटी करेंगे, मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम 2-3 मिनट हम इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद सभी को हम रेडी करके 2 से 3 मिनट में आपको ये बन के तैयार, अच्छे से कोटी हो गया। देखिए एकदम देखने से ही लग रहा है एकदम चिकन लॉलीपॉप की तरह लग रहा है। तो मेरे घर में छोटे बच्चे आए हुए थे, बहन के बच्चे आए हुए थे, तो चिकन लॉलीपॉप के लिए वो मांग किया कि छोटे मौसी आप वीडियो पर डालते तो मुझे भी खिलाइए। थर्सडे के दिन था तो इसलिए हम चिकन लॉलीपॉप ने बना के, हम स्वीट कॉर्न से हम चिकन लॉलीपॉप के तरह टेस्ट में बनाया है। बच्चे को भी बहुत पसंद है, बच्चे लोग इतना पसंद किया और सभी को अच्छा लगा, घर में सभी मेंबर को अच्छा लगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल पर जाकर बेल आइकन दबा लीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा।